कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आज सोच रहा हूँ अपना हिजामा कराने के लिए। बालों में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठंड का टाइम है, आज भारत बंद भी है, तो सोच रहा हूँ आज शेव करा के हेड पे अपना हिजामा सेशन कराऊंगा डॉक्टर नासिर से। तो ये एक छोटा सा वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा हो रहा है कि हम खुद भी कराते हैं हिजामा, ऐसा नहीं है। ठीक है सर। तो ये मेरा हिजामा कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब इसको पीछे से दिखा दीजिएगा ज़रा सा। तो ये हिजामा कंप्लीट है, आप देख सकते हैं निशान भी हो गए हैं, टॉक्सिन भी देख लीजिए। ये इसमें सारा टॉक्सिन था जो अब निकाला गया। जितनी भी चीज़ें यूज़ की गई हैं सारी सिंगल टाइम यूज़ होती हैं, डबल कुछ नहीं होता यूज़। यूवी स्टेरिलाइजर है इसमें यूज़, सारे कप्स को पहले स्टेरिलाइज करके फिर इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 11 दिसंबर 2020 है, यानी मुझे हिजामा कराए हुए 3 दिन पूरे हो चुके हैं। मैं आज आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि वो जो निशान मेरे पड़े थे जो आपको मैंने दिखाए थे हिजामा के बाद, अभी 3 दिन के अंदर, इनफैक्ट वो कल से ही ख़त्म हो गए थे मोस्टली, बट अभी 3 दिन में क्या कंडीशन है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं कंडीशन, कोई निशान आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बिल्कुल, बिकॉज मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। बाल भी आ चुके हैं, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे बाल आ चुके हैं, बहुत सारे वाइट है, मेरे ग्रेइंग ऑफ है। दिखाने का मेन मोटिव ये था कि देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होती है हिजामा कराने से। मैं नॉर्मली बॉडी का हिजामा रेगुलर बेसिस पे कराता रहता हूँ, हर 2 महीने में 3 महीने में एक आध सेशन ज़रूर लेता हूँ। हेड का हिजामा मैं शेव्ड हेड पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। विद हेयर कभी बहुत ज़रूरत होती है कि माइंड थोड़ा सा ज़्यादा हैवी फील कर रहा हूँ या तो मैं करा लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं शेव्ड हेड पे करवाऊँ। अभी लॉकडाउन में भी मैंने शेव्ड हेड करवाया था, तब भी हिजामा लिया था, लास्ट ईयर विंटर्स में भी लिया था और अभी इस विंटर्स में भी मैंने लिया है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं 2 या 3 सेशंस रेगुलरली 21-21 दिन पर लूँगा। मैं आपको ये बात बता दूँ कि मुझे कोई हेयर्स की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं फिर भी करवाता हूँ जस्ट टू रिलैक्स माई माइंड, और अच्छा लगता है। और हेयर्स की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गई है, नो डाउट, वो बहुत अच्छा उस पर फ़र्क पड़ता है। हेयर फॉल ऊपर वाले की दुआ से कुछ है नहीं अभी भी, लेकिन हेयर की जो डेंसिटी है, जो वॉल्यूम है, जो थिकनेस है, वो इंक्रीज़ हो जाती है, ये फॉर श्योर है। तो अभी एक अच्छा शेव करवाने के बाद ना एक अच्छा मौका होता है कि आप मसाज बहुत अच्छे से कर सकते हो। जितना अच्छा मसाज करोगे, जाहिर सी बात है डाइट अच्छा लोगे, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होता ही है। रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है हेड की तो भी आप करवाएं, आपको बहुत रिलैक्स फील होगा, बहुत अच्छा लगेगा, आपका जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को करवा सकते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, दिखाने का बस मकसद ये होता है कि देखिए मैंने भी करवाया था ना, मुझे कोई ज़्यादा दर्द हुआ, आपने वीडियो में देखा भी होगा, और ना अभी 3 दिन के बाद पता भी नहीं चल रहा है। हालांकि कुछ निशान कई लोगों के 5 दिन 7 दिन तक भी रह सकते हैं, लेकिन चले जाते हैं, कोई भी रुकता नहीं है। जो वो उभरा हुआ भी होता है वो भी सब खत्म हो चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरे स्किन पे। थैंक यू।